The next day. आज फिर हम मौजूद हैं जी अपनी गाड़ी का जो बकिया काम था उसके सिलसिले में। तो फिलहाल इसके टायरों की आवाज़ थोड़ी कम हुई थी, हमने कहा चले वो पहले फिल कर लेते हैं, उसके बाद जो इसका ये कफन पड़ा ऊपर इसको आज हमने धुलवाना है, और उसके बाद जो टायर स्टिकर्स हैं उनको हमने दोबारा से पेस्ट करना है, और उसके बाद जो इसके इंडिकेटर वगैरह हैं वो हमने इंस्टॉल करने हैं। तो सबसे पहले जो इसके टायर की आवाज़ है वो कम ही हुई थी, जिसकी वजह से ऊपर चढ़ाने में हमें काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। तो फिलहाल इसके जो टायर हैं उसकी आवाज़ हम फिल करते हैं। इस टाइम ये मौजूद है जी 25 पे। जी कितनी रहेगी? दूसरे टायर की भी चेक कर लें। कर लें भाई, चारों की चेक करें, क्योंकि सेफ्टी जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। सही बात है। ओए ये तो बहुत काम है ना, स्टार्ट कर। ये गेसियाँ लगाई हैं जी इसने ऊपर चढ़ते वक्त, अलग ही इतना स्लोप नहीं है फिर भी। ये जो टॉप कवर की धुलाई के लिए हमने भट्टी साहब को हायर कर लिया। तो अक्सर जो धुलाई शुलाई वाला काम होता है वो हम भट्टी साहब से ही करवाते हैं, इनको फ्रेश 100 का नोट लगवाते हैं और ये गाड़ी की सारी साफ सफाई जो है वो हमें करके देते हैं। भट्टी साहब चंगी तरह साफ करना है इसको, और ये फ्रेश 100 का नोट मैं लेके आया हूँ कटकना तेरे लिए, ठीक है ना? एक आधी मार देनी है। ये फट गया यहाँ से, किधर गया ये वाला? ये क्या हुआ वे? टूटा हुआ है। टूटा हुआ है? ओ भाई टूट गया यहाँ से, फाट गया। नहीं जी जितना साफ सफाई वाला काम था वो भट्टी साहब ने हमारा क्लियर कर दिया। ये आप चेक कर सकते हैं, कपड़ा सोख भी गया और साफ भी अच्छी तरीके से हो गया। हाँ जी भट्टी साहब, कितने पैसे लेने जी? 100 रुपये। बोल ये नवा नोट है, ये बच्चों बकाया दे मैंने। जी पकड़ाएंगे ना हम तेरे भाई ने मुझे 100 रुपया दिया गाड़ी साफ करने का, ठीक है बोस जी? नहीं थोड़ी इंग्लिश बोल के जा। नहीं मुझे इंग्लिश आती है। ले जी फ्रेंड्स, कवर की साफ सफाई वाला जो काम था वो हमारा सारा का सारा कंप्लीट हो गया, और अब चलते हैं इसके छोटे मोटे जो कल हमारे काम रह गए थे उसको कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये आखिर गाड़ी कंप्लीट कब होगी, इसके ऊपर इतना सामान लगी जा रहा है। तो आप लोगों को एक बात बता दूं मैं, जो भी आपकी प्रोजेक्ट कार होती है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती, ये हमेशा ही इनकम्प्लीट रहती है। तो अब सबसे पहले इसका हम लगाएंगे जो टायर स्टिक। सारी बोलती बंद होगी भाई। ऐसे नहीं आ गई। मेरे ख्याल में इतना स्लोप था नहीं जितना ये जोर से नीचे लगी है गाड़ी। एक मरतबा तो जान ही निकल गई आपके भाई की, मैं कहा लो जी गई, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब ड्रॉप जो की है इतने एक दुख जो है वो तो सहने ही पड़ेंगे। अब इसको लगाते हैं ये अपनी वर्कशॉप में, और इसका जो स्टिकर वाला काम है वो स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, इस पे लगा रहा हूँ मैं रेगमार, ये सारे पीस जो हैं ये पड़े हुए इन पे मैंने लगा लिए, और तकरीबन कोई 2 घंटे हो गए मुझे ये काम करते हुए। ये इसलिए मैं लगा रहा हूँ कि अब ये जो हैं पक्के होके लगे, उतरे नहीं। देखो अब ये वाला भी आइडिया कामयाब होता है या नहीं होता, बाकी आपको लगने के बाद इसकी फाइनल लुक चेक करवाते हैं। और इंडिकेटर जो हैं वो भी मेरे यहाँ पर पड़े हुए हैं वो भी लगाते हैं, और उसके बाद फिर आपको फाइनल लुक जो इसकी है वो चेक करवाते हैं। इन पीसेस को अब सैंड पेपर से मैं कर रहा हूँ प्लेन, क्योंकि पहले वाले जो थे हमारे टायर स्टिकर वो उतर गए हुए थे। अक्सर लोग पूछते हैं ये किस चीज़ के बने हुए हैं, तो आप खुद ये चेक कर लें, ये हार्ड सिलिकॉन है, ये नरम सिलिकॉन है, ये सॉफ्ट सिलिकॉन है। ये बॉय
तो इसको अब ये तरीका कार इस्तेमाल करके अब इसको फिर पेस्ट करते हैं, उसके बाद आप गाड़ी की फाइनल लुक चेक करवाते हैं। प्लान में ये एक और चीज़ ऐड कर दी है हमने, इसके फ्रंट स्क्रीन टिंट कर रहे हैं और इसके जो चारों दरवाजे हैं उनके शीशे जो हैं वो भी हम टिंट करने लगे हैं। और ये हम कर रहे हैं जी 35% में। मर्करी शेड था लेकिन अब मैंने कहा 2 साल इसको चला लिया तो चेंज तो करना ही चाहिए, तो अब वाला जो शेड है वो इस पे हम ये लाइट ब्लू वाला कर रहे हैं। The next day. मजा आया। Few moments later. तो इस वीडियो में जितने भी हमारे से काम हो सकते थे वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। पहले नंबर पे तो इसकी अंडर ग्लो लाइट जो है वो सारी की सारी लगा ली, और उसके बाद इसके बैक इंडिकेटर में जो LEDs हैं वो इंस्टॉल कर ली हैं, और उसके बाद इसके ऑल विंडो टिंट्स कर लिए हैं, और उसके बाद और कौन सा काम किया, अरे एक और काम किया था, हाँ जी, इसके जो टायर स्टिकर हैं वो दोबारा से पेस्ट कर लिए हैं। तो अभी टाइम है इसके आपको फाइनल लुक चेक करवाएं, तो आप ये थोड़े से शॉर्ट्स इसके एंजॉय करें, तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। Purchase your tracks today. शॉर्ट्स फ्रेंड्स आपने इसके चेक किए, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। तो अगर आपने किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। देख तो लिया ही होगा आपने जो नुकसान हुआ है, अच्छा भला हंसता खेलता पूरा दिन गुजरा हमारा। अब इसको बदकिस्मती कहें या फिर नज़र कहें, असल में कसूर तो मेरा ही था, क्योंकि एक साइड पे बाइक खड़ा था और दूसरी साइड पे थड़ी थी। मैंने कहा कि मैं गुजार लूँगा, लेकिन बस वो थड़ी वाली साइड मैंने ज़्यादा कट कर दी और रिम साहब उसके अंदर चले। खैर कोई बात नहीं, नुकसान तो होते रहते हैं। ये बहरहाल 2 सालों में पहला नुकसान था इस गाड़ी का, अपनी लाली का। अभी बहरहाल मैं तो फुल सदमे में हूँ। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों से डील करना होता है। बिल्कुल सही। चलें ठीक है फिर, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए कारनामे के साथ।